हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हो फ्रेंड्स? मैं बढ़िया हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोग, आई होप आप लोग भी ठीक होंगे, भगवान की दया से सब लोग सही सलामत हो। तो फ्रेंड्स, आज है शिवरात्रि, तो मेरी तरफ से, योगिताज ब्लॉग की तरफ से, सारे मेरे यूट्यूब फैमिली को, सब जो भी देख रहे हो अभी व्यूअर्स को, हैप्पी महाशिवरात्रि। तो आप लोगों ने शिवरात्रि का फास्टिंग रखा है कि नहीं? नहीं रखा है तो भी कोई नहीं, मैं इस बार रखी हूँ फास्टिंग, फर्स्ट टाइम रखी हूँ इस बार। मैं मतलब कभी रखी नहीं थी पहले से, फर्स्ट टाइम रखी हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब बिल्कुल थकान नहीं हो रही है। और मंदिर जाना था फ्रेंड्स, मैं आज नहीं गई मंदिर, तो पास में ही है मंदिर, ये नहीं है तो फिर मैं गई नहीं मंदिर। तो आप लोगों ने मंदिर गए कि नहीं? जाइए मंदिर, बहुत अच्छा लगता है, साल में एक बार आता है ये शिवरात्रि, शिव जी की पूजा करना चाहिए। तो मैं इस बार ये सोच के फास्टिंग रखी हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा शेयर कर लूँ, बोली आप लोगों को थोड़ा विश कर लूँ, वो सोची और मैंने ये ब्लॉग बनाया है। और अभी टाइम हो रहा है फ्रेंड्स 7 बजे हैं, और मैंने अभी जस्ट पूजा ख़त्म की है। तीन मतलब 4 बार पूजा करते हैं, तो 3 बार पूजा कर चुकी हूँ, अभी फिर रात में एक बार फिर पूजा करूँगी। और फ्रेंड्स, मैंने ना दीप जलाया है सुबह से, तो वो रात कल मॉर्निंग तक वो दीप जलेगा, मतलब ऐसा जलाया है मैंने अखंड दीप। तो अभी मैं बैठी हूँ फ़िलहाल, और बनाना है मुझे रोटी और आलू और प्याज की मतलब सब्ज़ी, मतलब आलू प्याज को फ्राई करना है। तो आटा माँ ने गूंद के रख दी है, और मैं अभी बैठी हूँ, काम अभी कुछ भी नहीं है, तो सोचा आप लोगों से थोड़ा बात कर ली जाए। और मेरी बेटी फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हो कि मेरी बेटी कहाँ गई है, तो वो गई है बाबा के साथ दुकान, वो अपने पापा के साथ आती है, जैसे मैं आपको बोलती हूँ। वो अभी तक दो बेटी आए नहीं है, और ये भी आज वो हमारे पास जो देवधारा है, जो आप लोगों को देवधारा मेरी वीडियो में है, पिछले वीडियो में देवधारा का एक वीडियो है, वो आप लोग जाके चेक कीजिए, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स सब मिलके ना वहाँ जाने वाले हैं, हर शिवरात्रि को जाते हैं, 12-1 बजे ऐसे आते हैं, तो आके फिर जाएंगे। हम लोग को भी लेके जाना चाहते थे, बोल रहे थे, पर क्या होता है कि बहुत भीड़ होता है वहाँ पर, और बच्चे लेके ऐसे मतलब थोड़ा दूर है तो ऐसे नहीं जा सकते, इसलिए फिर कैंसिल कर दी। नहीं तो हम लोगों को भी लेके जाना चाहते थे, बोल रहे थे कि तू भी जाएगी बोल के, और सब लोग मिल के जाएंगे बोल रहे थे। फिर सोचे कि ठीक भी है ऐसे, मतलब बच्चों को पकड़ के ऐसे बहुत ही भीड़ भाड़ जगह में, मतलब ऐसा बोल के फिर नहीं गए। तो वो लोग अभी जाएंगे आके फिर रेडी होके, और बाकी सब हम घर में रहेंगे, तो रोटी सब्जी बनाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग में ना मैं मतलब यही मतलब इतना ही मैं आपको विश करने के लिए ब्लॉग बनाई थी, थोड़ा बात करने के लिए आप लोगों से ब्लॉग बनाई थी, आपको विश करना चाहती थी। तो आज का ब्लॉग यहीं मैं समाप्त करती हूँ। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो ना, पिछले वीडियोज़ को जाके चेक कीजिए, बहुत बहुत अच्छा वीडियोज़ हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जो रेड कलर में लिखा होता है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। और लाइक कर देना, लाइक करना ना भूलना, लाइक कर देना ज़रूर, और शेयर करना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अब जो न्यू व्यूअर्स मेरे देख रहे हो वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग मेरी वीडियो को ऑलरेडी सब्सक्राइब किए रखे हो, थैंक यू मेरे मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, और जो लोग देख के फटाफट से सब्सक्राइब कर देते हैं, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। तो आगे अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो अभी थोड़ा कंटिन्यू करूँगी वीडियोज़, और मतलब वीडियो बंद नहीं करूँगी एक्चुअल में, आप लोग मुझे भूल जाओगे नहीं तो मैं ये होने नहीं दे सकती। तो बैक टू बैक वीडियोज़ अपलोड करूँगी, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाला है फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिए वीडियो पे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करके, कुछ हटके करके। तो तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक यू एंड जोहार।